गुड आफ्टरनून। हेलो ऑल, आवाज आ रही क्या? बोलो। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी होगा। आवाज आ रही क्या? बोलो मेरे को। ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम? सब क्लियर है? चलो स्टार्ट करेंगे। सेट्स एंड रिलेशन चल रहा था अपना, उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए थे हम लोग, 1 to 6 सीक्वेंस में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, देखो क्या दिया है। स्टार्ट करना है क्या? बोलो एक बार। कर देंगे, डाउट क्लियर। ये चैप्टर होने के बाद कर लेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट फेल्ड इन एमएसटी सीईटी, 40 इन एआई ट्रिपल ई, 40 इन आईआईटी एंट्रेंस, 20 फेल्ड इन एमएसटी सीईटी और एआई ट्रिपल ई, 17 एआई ट्रिपल ई एंड आईआईटी, और 15 सीईटी और आईआईटी, 5 फेल्ड इन ऑल थ्री एग्जामिनेशंस। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन और फेल्ड इन एआई ट्रिपल ई और आईआईटी एंट्रेंस। देखो, अच्छा 6th का बाद में, पहले ये हो जाने दो 7th, फिर 6th में वो फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। यहाँ पर क्या दिया है देखो, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट, 200 लोगों की दुनिया है। हम दो मेथड से करेंगे, फॉर्मूला भी यूज करेंगे, वेन डायग्राम भी करेंगे। प्रॉब्लम दोनों मेथड से पॉसिबल होते हैं, लेकिन कभी वेन डायग्राम ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता, कभी फॉर्मूले मुश्किल हो जाता, तो ये हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, प्रॉब्लम पढ़ के समझ में आ जाता वो। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट, 200 लोगों की दुनिया है, 35 लोग एम एस टी सी ई टी में फेल हो गए, सी ई टी के एग्ज़ाम 35 फेल हो गए। तो देखो लिखते चलेंगे हम लोग, तुमको नहीं लिखना है, तुम लोग इधर ध्यान देंगे, पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा। 200 लोग थे, यूनिवर्सल सेट ऑफ 200, यू बोलो या कैपिटल एक्स बोलो। आगे उसमें क्या दिया है देखो, सीईटी दिया है, एआई ट्रिपल ई दिया है और आईआईटी दिया है। मैं सीईटी को ए बोलूँगा, एआई ट्रिपल ई को बी बोलूँगा और आईआईटी को सी बोलूँगा, तो 35 जो है वो सीईटी में फेल हुए, तो सीईटी को हम लोग ए कंसिडर करेंगे। देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, 35, 40 एंड 40, 35 इधर फेल हुए, 40 यहाँ हुए और 40 यहाँ हुए, ये है अपना सीईटी। उसके बाद में एआई ट्रिपल ई है और उसके बाद में आईआईटी है। आगे आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा मैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ते चलना, मार्क करते चलना। ये 200 के बारे में लिखा मैंने, ये 35 भी लिखकर हो गया, ये 40 भी हो गया, ये 40 भी हो गया। आगे 20 फेल्ड इन सीईटी और एआई ट्रिपल ई, 20 लोग सीईटी और एआई ट्रिपल ई में फेल हुए। देखो सीईटी और एआई ट्रिपल ई में फेल होने वाले 20 है, सीईटी एंड एआई ट्रिपल ई 20 लोग। कॉमन इन्फॉर्मेशन बिटवीन सीईटी एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन, उल्टा यू और यू, यू इज़ यूनियन, यूनियन इज़ और, यहाँ पर एंड आया, इसमें भी फेल हुए और उसमें भी फेल हुए, कितने लोग? 20 लोग हो गए। ए और बी की इन्फॉर्मेशन दी है 20 लोगों की। आगे बढ़ूंगा, ये 20 का भी काम हो गया।
79 एआई ट्रिपल ई और आईआईटी, ट्रिपल ई और आईआईटी में 17 हुए और 15 सीईटी और आईआईटी में हुए, 17 एआई ट्रिपल ई और आईआईटी, एनओप बी और सी, एआई ट्रिपल ई और आईआईटी 17 लोग, और ए और सी इसमें हो गए 15 लोग। आगे बढ़ूंगा मैं। फाइव फेल्ड इन ऑल थ्री एग्जामिनेशन, पांच लोग ऐसे हैं जो सब एग्जाम फेल हो गए। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पांच लोग पूरे एग्जाम में फेल हो गए, इतना मुझे दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट, उसमें का पहला डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन। देखो अब इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते। पहले मैं तुम लोगों को फॉर्मूले से सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन उनका बोलना है कि ऐसे फाइंड करो जो एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए, हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये क्लास के टोटल स्टूडेंट्स है और ये उसमें के फेल्यूर है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ये फेल्यूर्स के बारे में दिया है हमको। ऑल दीज आर फेल्यूर्स, और हमको निकालना है ऐसे स्टूडेंट की जो फेल हुए ही नहीं एक भी एग्जाम में, हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम। क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला, पहले मैं क्या करूँगा, ए बी सी दोनों का इंटरसेक्शन और तीनों का ऐसा फॉर्मूला याद करूँगा। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बी और सी, ए और सी और ए बी सी। ये फॉर्मूला उस दिन मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि इसको याद कैसे रखना। आगे फिल इन दी ब्लैंक्स। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए के जगह कितना दिया है देखो, ए बी सी 35 40 40, ए बी बी सी ए सी 20 17 15 और ए बी सी 5, इसकी एडिशन सब्सट्रैक्शन 40 और 40 80, 80 और 35 115, 115 में वो 5 मिला 120, और 120 में से ये 20 गए 100, 100 में से 17 गए 83 और उसमें से 15 चले गए 68। अरे प्लस माइनस करके ये 68 आता, करके देख लो एक बार, 35 40 40 और वो 5 और मिला लो उसमें, 115 में 5 मिला है 120, और 120 में से 20 17 और 15 चले गया, तो देखो 68 आता क्या। ये 68 आंसर सही है या गलत पहले वो बोलो, गड़बड़ करो मत, आगे आगे भगो मत, जबरदस्ती कुछ भी आंसर दो मत। हाँ ये 68 आता क्या पहले ये बोलो। हाँ अभी ये जो 68 आंसर आया, पहले ये 68 का मीनिंग क्या है पहले ये सीख लो तुम लोग। ये क्या बोल रहा है 68? देखो ये फेल्यूर है, ये फेल्यूर है और ये फेल्यूर है, तो ये जो भी आंसर आया ये फेल्यूर का आंसर आया हुआ है। कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले 68 है, मतलब ये 68 ऐसे है ये कहीं ना कहीं फेल हुए है, तो जो फेल नहीं हुए तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, 200 माइनस 68 दैट इज 132। 132 ऐसे है जो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए,
टोटल 200 थे, 200 में से 68 ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए, तो 200 में से 68 गए, 132 कहीं पर भी फेल नहीं हुए। आगे सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? फेल्ड इन AI ट्रिपल ई और IIT। AI ट्रिपल ई को नाम दिया है बी और IIT को नाम दिया है सी, तो अब बी और सी के बारे में पूछ रहे, तो क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑफ बी यूनियन सी, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ बी कितना है? 40, और ये 40 है दोनों, और ये इंटरसेक्शन में कितना है? देखो, बी और सी के इंटरसेक्शन में 17 है, तो 80 में से ये 17 गए, कितना होता वो? 63। 63 ऐसे है कि जो AI ट्रिपल ई और क्या दिया है IIT में फेल हुए है। देखो दोनों आंसर मिल गए। अब यही क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे। अब देखो वेन डायग्राम से पूरा एक्सप्लेनेशन, मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो फिर डायरेक्टली आड़ी टेढ़ी जैसी भी डायग्राम आएंगी मैं ड्रॉ कर लूँगा। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की, अब ये डायग्राम में फिल इन दी ब्लैंक्स, वेन डायग्राम बन गई अपनी। यूनिवर्सल सेट ऑफ 200 लोग, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, ध्यान देना, तीन सेट बोले हैं तो डायग्राम ऐसी ही बना लेंगे, अगर दो बोले हैं तो सिर्फ दो सर्कल इंटरसेक्शन रहेंगे हमेशा ए बी सी। अब पहले करना क्या, ध्यान देना है। देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तुम लोगों को, पहले जो तीनों की कॉमन इन्फॉर्मेशन है ये कॉमन इन्फॉर्मेशन डायग्राम में फिल करना है, तीनों की कॉमन, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले। अगर मैं ये तीनों सर्कल को ध्यान से देखूं तो ये सेंटर का पार्ट ऐसा आ रहा है कि जो तीनों का इंटरसेक्शन है, ये जो सेंटर का पार्ट है ये तीनों का इंटरसेक्शन है ए बी और सी। तुमको ये समझा क्या, बोलो मेरे को, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ए बी सी तीनों एक दूसरे को यहाँ पर आके मिल रहे, देखो देखो, वेन डायग्राम का फायदा अभी तुमको समझ में आएगा। आगे बढ़ूंगा मैं, तीनों के बाद क्या करना, ट्रिक याद रखो मेरे, में क्या बोल रहा हूँ, पहले तीनों फिर दोनों, तीनों का काम हो गया, इसका काम हो गया, अब दोनों ए बी डी सी और ए सी, पहले तीन फिर दो, ए बी में 20, 17, 15, ए बी बी सी ए सी,
एबी में टोटल 20 लोग हैं, उसमें के 5 इधर आए तो 15 यहाँ पर आएंगे। देखो तुम डायग्राम अगर ध्यान से देखेंगे, अब मैं वहाँ पर डार्क करने वाला हूँ उतना पोर्शन, ध्यान से देखना। ये ए है, ये बी है, ए और बी का देखो ये जो पोर्शन है, तुमको क्लियर हो जाएगा लॉजिक ये क्या चल रहा है। ये ए और बी का कॉमन पोर्शन है, ए और बी के कॉमन पोर्शन में कितने लोग हैं, 20, उसमें के 5 तो ऑलरेडी सेंटर में आ गए, बच गए 15, वो मैंने वहाँ लिख दिए। तुमको ये समझा क्या, बोलो। ए और बी का काम हो गया। फटाफट मेरे को बोलते चलना, मतलब मैं आगे बढ़ूंगा फिर। पहला वेन डायग्राम है, आराम से पढ़ूंगा, कितना भी टाइम लगने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो ठीक है, सबको समझ रहा है। अब जैसा मैंने ए और बी किया, अब वैसा ही मैं देख लेता, बी सी 17, ए सी 15, बी और सी 17 है, ए और सी 15 है। देख लो जो नंबर्स मैंने पुट किए, 17 है तो 5 बीच में आ गए थे 12, 15 है तो 5 बीच में आ गए थे 10। फटाफट बोलना, समझ गया नहीं समझा लिख देना वहां पर, नहीं समझा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। और नहीं समझने जैसा कुछ है ही नहीं, सेंटर में 5 आ गए, 20 होना थे 15, 17 होना थे 12, 15 होना थे 10। ए बी बी सी ए सी, चलो ठीक है। अब और आगे बढ़ता, देखो ट्रिक क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले 3, फिर 2, 2 और 2, अब सिंगल, एक एक और एक, अकेला ए 35 है, अकेला ये 35 है, वो 35 में देखो ए ने, ए का जो एरिया है उसने कितने लोगों को खुद के अंदर लिया है, 15 और 5 20 और 10 30, मतलब बच गए 5। देखो ए का पूरा सर्कल 35 एडिशन बता रहा है, अगर तुम ए का सर्कल पूरा गौर करेंगे तो देखो 35 एडिशन आ गई। समझे क्या बात को, ए 35 हो गया देखो। चलो अब मैं बी और सी फटाफट निपटा लेता, अब इतना टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। बी का सर्कल अपने को 40 बोल रहा है, ओनली बी 40 बोल रहा है, उसमें के 15 और 5 20, 20 और 12 32 आ गए, यहाँ पर आ गए 8। सी का सर्कल भी 40 बोल रहा है, उसमें के 15 और 12 27 आ गए, यहाँ पर आ गए 13। देखो पूरे सर्कल की इंफॉर्मेशन मैंने फील कर ली वहाँ पर। अब तुमको वेन डायग्राम का क्या यूज रहता, क्या एप्लीकेशन है, वो पूरा समझ में आ जाएगा। लिख दिया मैंने 13 8, सामने कैलकुलेशन है देखो तुम्हारे। हाँ अब आगे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ए है ये फेल्योर है, ये बी भी फेल्योर है और ये सी फेल्योर है, तो मैं जब ये तीनों सर्कल की एडिशन करूँगा तो ये पूरे के पूरे फेल्योर आ जाएंगे। तो मैं एडिशन कर रहा हूँ हर एक नंबर, 5 15 8 10 5 12 और 13, 100% ये 68 है एडिशन, करके देख लो तुम लोग। सिक्सटी एट एडिशन आती देख लो करके एक बार, फिर मेरे को बोलो यस सर आ रही है या नहीं।
आना ही चाहिए 68 एडिशन। मतलब 68 ऐसे है कि जो कहीं ना कहीं तो भी फेल हुए हुए है, ए में है, बी में है, सी में है, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी, कहीं ना कहीं तो फेल है। अब कितने स्टूडेंट है, 200, उसमें के 68 कहीं ना कहीं फेल हुए हुए है, तो 200 में से 68 गए, बच गए 132। ये 132 ऐसे है जो ये सर्कल के बाहर है, मतलब जो कहीं पर भी फेल नहीं हुए। देखो 200 में से वो 68 चले गए, 132 ये बाहर के एरिया में आ रहे, इधर ये जो एरिया है ना यहाँ पर आ रहे ये 132 बाहर सर्कल छोड़ के। और क्या बता रहा है 132 कि ये सर्कल में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये फेल्यूअर्स में नहीं है। क्लियर हुआ क्या? अरे समझ रहे ना सब, बराबर बोलते चलो। वेन डायग्राम से समझा, लेकिन फॉर्मूले से भी समझना चाहिए, वो फिर से एक्सप्लेन कर देता मैं। चलो वेन डायग्राम में, अब मैं वेन डायग्राम का यूज बोल रहा हूँ, ध्यान देना। अभी तो मेरे को ये मिल गया 68 और 132, तो मैं यहाँ लिख देता फिर 200 में से 68 गए 132। देखो ऊपर भी हमारे आंसर यही आए थे, देखो फॉर्मूला यूज़ करके। अब ये फॉर्मूला इतना याद रखो, डायग्राम बनाओ, दोनों में तुमको क्या आसान लग रहा है देख लो। अब जिसको डायग्राम से करना है डायग्राम से करो, जिसको फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से करो। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब है एटलीस्ट वन एग्जाम फेल होने वाले। वॉट इज मीनिंग ऑफ एटलीस्ट इन मैथमेटिक्स, या एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग कम से कम, या एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग है। अब कम से कम एक, मतलब दो में भी चलेगा तीन में भी चलेगा, तो आइदर ए और बी और सी, आइदर ए में फेल हुए और बी में हुए और सी में हुए, आइदर ए और बी और सी का मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक भी सिखाई थी मैंने तुम लोगों को, वो वीडियो देख लेना, 2-3 नंबर का कोई तो भी वीडियो होगा वो इस चैप्टर का। ये फॉर्मूले से हो गया, और ये जो आंसर आया ये आंसर हो गया वेन डायग्राम से। अब देखो वेन डायग्राम से ये बी और सी, सेकेंड क्वेश्चन। अब बी और सी की बात करेंगे, देखो बी और सी की एडिशन, अपना आंसर कितना आया था बी और सी का 63। तुम करके देख लो जहाँ पर बी है और सी इन्वॉल्व है, पूरी एडिशन करके देख लो वो 63 आएगा। मतलब कौन से नहीं आएंगे, ये पांच नहीं आएंगे कैलकुलेशन में, क्योंकि इसका रिलेशन सिर्फ ए के साथ है। बाकी ये 15 बी में भी आ रहे, ये 8 बी में आ रहे, ये 12 दोनों में आ रहे, ये 5 तो बी में और सी में भी है, ये 13 सी में आ रहा है, ये 10 सी में आ रहा है। देखो वो 5 छोड़ दो तो 63 आ जाता, देखो ये आंसर आ गया 63। पहले मैंने फॉर्मूला यूज करके 63 लाया, अब वो 5 को छोड़ दो तो 68 एडिशन थी सर्कल्स की, वहां से वो 5 चले गए तो 63 आ गया। देखो मेरा आंसर बी और सी का हर एक नंबर ले लिया मैंने एडिशन में, तो मेरे को आंसर मिल गया 63। अरे समझ में आया क्या? सेकेंड क्वेश्चन का भी मैंने फाइंड कर लिया, देखो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया।
अब वेन डायग्राम का मेन यूज देखेंगे। देखो वेन डायग्राम में एट अ टाइम बहुत सारे आंसर क्लियर होते। अगर मेरे को बोला सिर्फ ए का आंसर दो तो आंसर रहेगा 5। अगर मेरे को बोला सिर्फ बी का आंसर दो, ओनली बी, तो आंसर रहेगा 8। मेरे को बोला सिर्फ सी, ओनली सी, आंसर रहेगा 13। फिर ऐसे तुम फाइंड कर सकते, ओनली ए और बी तो आंसर रहेगा ये 15, बी और सी ये रहेगा 12, ए और सी रहेगा 10। ओनली वर्ड यूज किए तो सिर्फ बी और सी होना, सिर्फ बी और सी में ये 12 आ जाएंगे, बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये 5 ए में भी आ रहा है, ये 8 सिर्फ बी में आ रहा है, ये 13 सिर्फ सी में आ रहा है, लेकिन ये 12 बी और सी के कॉमन है। वहां पे ए के 5 कॉमन निकल गए बाहर, तो बी और सी के 12 मिल गए। देखो कितने आंसर मिल रहे, चाहे जितने आंसर बाय ऑब्जर्वेशन वहां पर मिल सकते, ये वेन डायग्राम का यूज है। फिर ये 132 भी मिल गया, 200 में से 68 गए, तो कितने आंसर है। देखो टोटल 200 लोगों की दुनिया, उसमें 68 फेलियर, सर्कल के बाहर के 132, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी, सब मिल गए यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए। वो डायग्राम एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा वहाँ पर मैंने लिखा है, बट कंसेप्ट आई थिंक क्लियर है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया है, कोशिश की मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की। चलो ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग। अब क्या करना है, वेन डायग्राम, चलो वेन डायग्राम करेंगे हम लोग। चलो आंसर लिखना स्टार्ट करो। अब आंसर कैसा होना चाहिए, तो पहले मेरे को ए बी सी कंसीडर करना पड़ेगा। अब सब लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो लेट लेट ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एम एच टी सी ई टी, हु फेल्ड इन, प्रॉब्लम में दिया है देखो एम एच टी सी ई टी, नेक्स्ट लाइन बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ए आई ट्रिपल ई। दो नंबर पे प्रॉब्लम है, ए आई ट्रिपल ई है, ए आई ट्रिपल ई, और सी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन आई आई टी एंट्रेंस। लिख देना आंसर बड़ा दिखता, आई आई टी एंट्रेंस। और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ए बी सी और एक्स, जितने अल्फाबेट आने वाले हैं मैंने सारे के सारे अल्फाबेट कंसिडर कर लिए। देयर फोर वी गेट, लिखना देयर फोर वी गेट,
देयरफॉर वी गेट, लिखो एन ऑफ एक्स 200, सब सामने दिया है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा हूँगा तुमको, मोबाइल कंप्यूटर जो भी है तुम्हारे पास, एन ऑफ एक्स 200, एन ऑफ ए 35, एन ऑफ बी 40, एन ऑफ सी 40, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब रहता एंड, एंड का मतलब रहता हिंदी में और, ए और बी, मराठी में आनी, ए आनी बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20, बी इंटरसेक्शन सी 17, ए इंटरसेक्शन सी 15, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5। चलो क्या करते हैं बोलो, फॉर्मूला या डायग्राम, फटाफट बोलो, फॉर्मूला या डायग्राम। चलो फॉर्मूला ही कर लेंगे, जाने दो, ओके फॉर्मूला, चलो चलो फॉर्मूला कर लेंगे यार, डायग्राम अगले प्रॉब्लम में कर लेंगे, और जिसको डायग्राम से करना है डायग्राम से करो। लिखो नंबर वन, हाँ पहले नंबर वन में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ना वो लिखना, लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आंसर लिख रहे सब लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन, मैं जैसे बोलूंगा लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन एग्जाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन एग्जाम इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, लिखो फिर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिखा है यहां पर, फटाफट कंप्लीट करो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, ये फॉर्मूला मैंने पहले याद रखना सिखाया था, वीडियो नंबर 2 या 3 देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा तुमको ये फॉर्मूला कैसे एक्सप्लेन किया था मैंने, बार बार उसी में टाइम नहीं डाल सकते। तो आंसर 68, अब ये जो 68 आए ये फेल्योर आए, सिक्सटी एट तक आ गए क्या बोलो, फॉर्मूला ध्यान से लिखो, फिर लिखना देयर फोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट Who did not fail in any exam is equal to 200 minus 68, that is 132. इसको एक बॉक्स बना लेना, पेपर चेक करने वाला 132 को बॉक्स देखेगा, मार्क देख के आगे बढ़ जाएगा, सिस्टमेटिक होना चाहिए थोड़ा, पेपर चेक करने वाले को इरिटेट नहीं होता फिर। आ गया पहला आंसर, चलो अब उसमें का सेकंड, क्या पूछा था, एआई ट्रिपल ई और आईआईटी, लिखो नंबर टू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ए आई ट्रिपल ई और आई आई टी, देखो और के जगह अगर एंड लग जाता ना तो इंटरसेक्शन आता, और मतलब यूनियन, नंबर ऑफ स्टूडेंट
हु फेल्ड इन AI IEEE और IIT, AI IEEE और IIT इज गिवन बाय, लिखते चलना, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। आया तो ठीक, नहीं तो और भी एक आसान रास्ता है अपने पास, किसी का तो भी देख के लिखना, सबसे आसान, टेंशन का काम ही नहीं। तो लिखो एन ऑफ बी यूनियन सी, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, आंसर 63। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है देखो। फ्रॉम अमंग 2000 लिटरेट इंडिविजुअल्स ऑफ अ टाउन, 2000 लोग दिए हैं, मैं इधर लिखते चलता देखो। फ्रॉम जो नंबर दिए है वो नंबर मैं यहाँ पर लिखते चलता। कितने लोग दिए हैं? 2000, 2000 लोगों की दुनिया, एनोपेक्स, ये 2000 का काम हो गया। 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, मैं मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को ए नाम देता। 70% ऑफ 2000, ये दो जीरो गए, ये दो जीरो गए, 1400 मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, 1400, 70%, 2000 के 70%, 7 × 14, 70% का काम हो गया। 50% इंग्लिश न्यूज़पेपर, 50% इंग्लिश, इंग्लिश को मैं बी नाम दे देता, 50%, वो आते 1000। चलो ठीक है, 50% का भी काम हो गया। और 32.5% मराठी और इंग्लिश, मराठी और इंग्लिश, कितने? 32.5%, ये गया, ये गया, ये आ रहे हैं 650, इसका भी काम हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटलीस्ट, कम से कम एक, दोनों भी पढ़ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट, वेन एवर देर इज एटलीस्ट, देर इज ए यूनियन बी, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, मराठी भी नहीं और इंग्लिश भी नहीं, कैसे फाइंड करना देख लेंगे। और ओनली वन, चलो अब ये पूरा प्रॉब्लम हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे। देखो नंबर, पूरे नंबर लिखता मैं यहाँ पर, कितने लोगों की दुनिया थी? 2000, मराठी पेपर पढ़ने वाले मैंने फाइंड किए 1400, 70% बोला है ना, 50% इंग्लिश 1000, और 32.5% दोनों भी, 650, इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। अब उन्होंने पहला सवाल किया, एटलीस्ट वन, वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता। पूरी दुनिया 2000 की,
दो सर्कल। मराठी, इंग्लिश। अब करना क्या? पहले कॉमन इंफॉर्मेशन 650। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन पार्ट। अब ए जो सर्कल है वो ए सर्कल 1400 लोगों का है, उसमें के 650 इधर आ गए। देखो ये भी एक ए का हिस्सा है, ये इधर, ये इतना, तो 650 आ गए। 1400 में से 650 गए, कितने होते बोलो मेरे को? आई थिंक 750, देख लो प्लस माइनस करके। चलो ठीक है। और बी है 1000, बी का सर्कल, उसमें के 650 आ गए, तो कितने बचते? 350। देखो कितना सिंपल हो गया, ये 350 आता क्या? दूसरा बोलो, मेरी प्लस माइनस में गड़बड़ हो सकती है। तो अब देखो ये दोनों सर्कल की जो एडिशन है वो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। 750 ए पढ़ते, 650 दोनों पढ़ते और 350 बी पढ़ते, तो ये कितना हो रहा है देख लो। 750, 650, 1750 दिख रहे मेरे को तो ये। देख लो 1750 आता क्या? 1750, 1750 ऐसे है कि जो कम से कम वन न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। आई थिंक ये सबको समझ गया होगा। चलो ठीक है। अब मेरे को बोलो फिर ऐसे कितने हैं जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहे? फटाफट आंसर, ऐसे कितने हैं जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहे? 2000 में से 1750 गए, 250। देखो वेन डायग्राम से कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। 2000 में से 1750 गए, 250 आ गए। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो दो क्वेश्चन तो हो गए मेरे, मैं सेकंड भी लिख देता यहाँ पर। यही पूछा है ना, सेकंड पढ़ लेता मैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, मराठी भी नहीं इंग्लिश भी नहीं। 250, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। थर्ड क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब ओनली वन देखो डायग्राम में ढूंढेंगे, ध्यान देना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुरंत मेरे को बोलना कि समझ गया करके। देखो ये जो हिस्सा है ये ओनली ए है, ये पार्ट 750, ये जो 350 है ये ओनली बी है, ये जो 650 है ये ए और बी दोनों है, ये 250 है जो एक भी नहीं है, और ये 2000 है जो पूरे गांव के लोग हैं। तो अभी उन्होंने अपने को ओनली पूछा, तो 750 और 350। ग्यारह सौ। अरे क्लियर हुआ क्या? देखो कितना सिंपल है। सबको समझ में आया? चलो ड्रॉ करो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से करेंगे, पहले कंसीडर कर लो ए और बी और एक्स। लिखो, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। लेट मिलता ना,
ये नीचे कैलकुलेशन दे देना, मार्क मिलेंगे। कैलकुलेशन देना पड़ेगा। चलो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन कैसा होना एग्जाम में वो लिख रहे, लिखो लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड मराठी न्यूज़पेपर। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड मराठी न्यूज़पेपर। नेक्स्ट लाइन, एक एक लाइन पे लिखते चलो, एक लाइन पे पूरा मैथ्स खत्म मत करो। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंडिविजुअल हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, पूरे के पूरे 2000 लोग। नंबर बाद में देंगे, अभी नाम देना ए बी और एक्स। फिर लिखना देयर फोर, फिर ये लिख देना, लेकिन कैलकुलेशन बताएंगे। लिखो एन ऑफ एक्स 2000, मैं जैसे बोलूंगा लिखना है। एन ऑफ एक्स 2000, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 70% ऑफ 2000, 70/100 इंटू 2000 1400। एक एक लाइन पे चलने देना। 70% ऑफ 2000 दैट इज 1400। एन ऑफ बी 50% ऑफ 2000 दैट इज 1000। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 32.5% ऑफ 2000 650। फिर उसके बाद क्या करना, पहले डायग्राम ड्रॉ करना, पहले डायग्राम ड्रॉ करना। ऊपर हेडिंग दे देना वेन डायग्राम, जॉन वेन। तो तुम सिर्फ वेन लिखो, वेन डायग्राम। फिर डायग्राम ड्रॉ कर लो, दुनिया ड्रॉ करो, दुनिया मतलब रेक्टेंगल। फिर दो सर्कल सिस्टेमेटिक करो थोड़ा, पूरे नंबर पुट कर दो। डायग्राम होने के बाद बोलो जल्दी, थोड़ा फास्ट। मेरे हिसाब से डायग्राम हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, लिखो फिर पहला क्वेश्चन डायग्राम के नीचे। नंबर वन फर्स्ट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड, लिख रहे सब लोग, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर इज इक्वल टू 750 प्लस 650 प्लस 350 1750। 1750 सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 2000 माइनस 1750 250। और थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर
इज इक्वल टू 750 प्लस 350 1100। किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? दोनों मेथड कर लिए देखो हम लोगों ने, फॉर्मूला भी कर लिया, वेन डायग्राम भी कर लिया। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया, आगे का पार्ट हम लोग कल देखेंगे। मिलेंगे कल 4 बजे। क्वेश्चन 6 का डाउट कल लेक्चर स्टार्ट होते से याद दिलाओ, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा कल, आज टाइम नहीं बचा अपने पास। चलो ठीक है, मिलेंगे कल 4 बजे।